सगीर में रहने वाले तमाम ख्वातीन हजरात, अस्सलाम वालेकुम। ईद उल अज़हा बरोज़ हफ्ता 1 अगस्त को होगी और 29 को चांद नज़र नहीं आएगा। बुध गुजार के रात को चांद नज़र आएगा जो 30 का चांद होगा, और यूँ जुमेरात वाले दिन पहली होगी, फिर जुमेरात 8, जुमा 9 और हफ्ता 10 ज़ुलहज 1 अगस्त होगा। क्योंकि मैंने आज से 2 दिन कबल यानी हफ्ते वाले दिन सुबह की नमाज के बाद अपनी आंखों से चांद देखा जो मशरिक़ की तरफ मौजूद था, इसलिए इतवार को नज़र नहीं आया, आज पीर को नज़र नहीं आएगा, कल नज़र नहीं आएगा और उसके अगले दिन इंशाअल्लाहुल्अज़ीज़ हमें चांद नज़र आएगा। जो सूरज आगे जा रहा होगा, चांद पीछे आ रहा होगा, 1 घंटा और 5 मिनट का वक्फ़ा होगा। इसलिए मैं तमाम बर सग़ीर के मुसलमानों को पेश की ये खुशखबरी सुना रहा हूँ कि इंशाअल्लाहुल्अज़ीज़ ईद उल अज़हा बरोज़ हफ्ता 1 अगस्त को होगी। रात मेरी बात हुई मोहतरम फवाद चौधरी साहब से, मैंने उनसे यही बात कही कि आप कह रहे हैं कि 31 को तो मुमकिन ही नहीं, मंगल वाले दिन शाम को तो चांद नज़र ही नहीं आएगा। उन्होंने मेरी बात बड़ी तवज्जो से सुनी और उन्होंने मुझसे वादा किया कि इस शोबे के जितने माहिरीन हैं मैं उनसे रब्ता करता हूँ, आप ऐलान करें, हम आपकी तायीद करेंगे और आज शाम तक उनकी तरफ से भी रिपोर्ट आ जाएगी कि 29 को चांद नज़र नहीं आएगा, न पंजाब में नज़र आएगा, न सिंध में नज़र आएगा, न दिल्ली में नज़र आएगा, न कलकत्ते में नज़र आएगा, न ढाका में नज़र आएगा। हाँ, मेरे बलूचिस्तान के अगर कुछ इलाकों में बड़ी मुश्किल के साथ चांद नज़र आया तो मैं समझता हूँ कि बर्र सगीर के मुसलमान इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर और पाकिस्तान के अंदर यकीनन ईद 1 अगस्त बरोज़ हफ्ते को इकट्ठे मनाएंगे जिस तरह के हम तसलसल के साथ मनाते आए हैं। अस्सलाम।